नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी पाठशाला में। बच्चों, कल हमारा अध्याय वाच्य अभ्यास कार्य सहित संपूर्ण हो गया था और अब आपका केवल वाच्य ही नहीं व्याकरण के चारों अध्याय, जो चार अध्याय आपके पाठ्यक्रम में हैं, वाच्य, वाक्य, पद परिचय और रस, ये चारों अभ्यास कार्य सहित संपूर्ण हो चुके हैं। इनमें से आपको कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आइए आज विचरण करते हैं काव्य जगत में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग दो में संकलित कविता उत्साह, और जिसके रचयिता हैं हिंदी के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, हिंदी के चार मुख्य छायावादी कवि माने जाते हैं, ये हिंदी साहित्य के यानी छायावाद के स्तंभ हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला। निराला का अर्थ है बिल्कुल विशेष, अद्भुत कार्य करने वाला। तो निराला जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। यहाँ उन्होंने जो मुक्त छंद में कविताएं लिखी, मुक्त छंद में काव्य रचने का श्रेय जो है वो निराला जी को ही जाता है, इसीलिए उन्हें निराला कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं निराला जी का संक्षिप्त परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, यानी इन तीनों भाषाओं का ज्ञान उन्होंने स्वयं पढ़कर किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। वे संगीत और दर्शन शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान रखते थे, इसके भी पूरे ज्ञाता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। बच्चों, निराला जी के जीवन में बड़ी दुखद घटनाएं घटी, और यहाँ तक कि उनकी पत्नी का उस समय निधन हो गया था जब उनकी बेटी मात्र 1.25 साल की थी। तो इस प्रकार अपनों के असमय निधन से वो बहुत अधिक टूट गए थे, बहुत दुखी हो गए थे। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। अनवरत का मतलब लगातार, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी लगातार संघर्ष किया। इतनी परिस्थितियां विपरीत आने पर भी जीवन में उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। यानी इन विषयों में भी, हिंदी की इन विधाओं में भी, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध में भी उनका नाम दूर दूर तक है, उनका नाम प्रसिद्ध है, अविस्मरणीय है, ना भूलने योग्य है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। उनका सारा साहित्य रचनावली नामक जो उनकी रचना है, निराला रचनावली, वो 8 भागों में विभक्त है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उद्दात चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। प्रकृति के कवि तो निराला हैं ही, इसके अतिरिक्त विद्रोह और क्रांति, यहाँ तक कि प्रेम की तरलता भी उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। तो यानी विद्रोही स्वभाव के भी हैं कवि निराला। तो जहां उनकी रचनाओं में
शोषित, उपेक्षित, यानी जिनका शोषण किया गया है समाज में, जिनकी कोई कोई जिनका मान सम्मान नहीं, उपेक्षा की दृष्टि से जिनको देखा जाता है, पीड़ित और प्रताड़ित, जिनको सताया गया हो, ऐसे लोगों के प्रति उनकी कविताओं में सहानुभूति दिखाई देती है। और वहीं दूसरी ओर शोषक वर्ग, यानी जो शोषण करने वाला वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, ऐसा वर्ग जो सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी, तो उनके प्रति बदले का भाव भी उनकी रचनाओं में साफ दिखाई देता है। उन पर भी निराला जी ने खूब लिखा है। तो बच्चों, उत्साह में क्या बताया है कवि ने, आइए देख लेते हैं। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब क्या होता है? बुलाना, निमंत्रित करना। तो एक ऐसा गीत है, ऐसे गीतों को जहाँ पर किसी को संबोधित किया जाता है, बुलाया जाता है, आह्वान करना कहते हैं। तो इसलिए उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा, आकांक्षा मतलब इच्छा, आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कवि पूरे जीवन को व्यापक यानी बड़ी विस्तृत नज़र से देखता है, दूर तक गहराई से उस पर दृष्टि डालता है और उस पर मनन करता है। कविता में ललित कल्पना, ललित का अर्थ होता है सुंदर, ललित कल्पना, सुंदर सुंदर कल्पनाएं हैं एक ओर, तो दूसरी ओर क्रांति चेतना भी है, क्रांति और चेतना का स्वर भी है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखो बच्चों, जब जब समाज में बदलाव आता है उसमें साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और आपने सुना भी है साहित्य समाज का दर्पण होता है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। इसको किस रूप में देखते हैं? इसको नवजीवन और नई कविता के संदर्भों में, नई कविता के रूप में देखते हैं। तो आइए कविता क्या कहती है, आगे चलते हैं और कविता को पढ़ते हैं। उत्साह, बच्चों कविता को पढ़ने से, कविता को व्याख्यात्मक रूप में और स्पष्टीकरण करने से पूर्व आइए पहले एक बार कविता पाठ कर लेते हैं उच्चारण सहित। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो आइए बच्चों हम इसका स्पष्टीकरण करें, इससे पूर्व एक बार इसके शब्दार्थों पर भी दृष्टि डाल लेते हैं ताकि आपको कविता समझने में और भी सरलता हो जाएगी। शब्द अर्थों में पहला शब्द है आपका धाराधर, जिसका अर्थ है बादल, उन्मन कहीं मन न टिकने की स्थिति, अनमनापन यानी बेचैनी, निदाघ गर्मी, सकल सारा सारे या सब, आभा चमक, वज्र कठोर या भीषण, अट समाना, पाट पाट जगह जगह, शोभाश्री सौंदर्य से भरपूर पट समा नहीं रही है। तो बच्चों वज्र से आगे के जो शब्दार्थ हैं वो अगली कविता अट नहीं रही के हैं। तो आइए हम कविता आरंभ करते हैं और देखते हैं निराला जी ने इसमें क्या बताया है। उत्साह, कवि कहते हैं बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ। अभी आपने बच्चों धाराधर शब्द का क्या अर्थ पढ़ा था? धाराधर यानी बादल, बादल के बहुत पर्यायवाची शब्द हैं। तो कवि क्या कहता है, बादलों को संबोधित करते हुए, बादलों को पुकार कर कहता है। अभी आपने पढ़ा था ना कि ये जो बादल है, ये उत्साह है, वह एक आह्वान गीत है।
तो कवि बादलों को आमंत्रित करता है, बादलों को पुकारते हुए कहता है, हे बादल गरजो। कैसे गरजो? घेर घेर घोर गगन, इस प्रकार गरजो कि सारे आकाश को घेर लो, मतलब तुम्हारा जो गर्जना है पूरे आकाश में व्याप्त हो जाए। धाराधर ओ हे बादलो गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। बालकों बादलों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं कि बादलों का स्वरूप कैसा लगता है कि बाल कल्पना, बाल का मतलब बच्चे, बच्चों की कल्पना के समान पाले हुए लगते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं, कल्पनाओं के संसार में वो रहते हैं, क्या का क्या सोच लेते हैं, बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं कल्पनाओं में। तो ऐसे ही कवि ने कहा है, बादल भी इसी प्रकार से पूरे आकाश में विभिन्न रूप लेकर के कहीं दूर तक पहुंच जाते हैं, तो इसलिए उनकी तुलना की है बच्चों की कल्पनाओं से। बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। कि हे नवजीवन वाले, लोगों को नवजीवन, नई चेतना, नव प्राण देने वाले हे बादलों, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। देखो, विद्युत छवि उर्मे, उर कहते हैं हृदय को, कि तुम्हारे हृदय में, यानी बादलों में चमकती है ना बिजली, तो कवि कहता है कि हे बादल, तुम्हारे तो हृदय में विद्युत के सौंदर्य है, बिजली का सौंदर्य है। जब बिजली चमकती है तो बहुत ही सुंदर, एकदम से चमचमाता हुआ सफ़ेद सा दृश्य दिखाई देता है, और तब क्या लगता है, उस दृश्य को देखकर कवि कहता है कि तुम्हारे हृदय में तो बिजली का सौंदर्य है, बिजली चमकती है तो बहुत सुंदर लगती है। हे कवि नवजीवन वाले, तुम लोगों में नवचेतना भरने वाले हो, ऐसे हे बादल, वज्र छिपा तुम्हारे अंदर, ये नहीं कि केवल एक बिजली का सौंदर्य ही छिपा है, सौंदर्य के साथ साथ वज्र भी छिपा हुआ है, ठीक है ना, वज्र की कठोरता भी है। वज्र का अर्थ है बच्चों एक अस्त्र, जिसको एक ऐसा शस्त्र था जिसको दधीचि मुनि की हड्डियों से बनाया गया था, और वो किसके लिए बनाया गया था, वृत्रासुर राक्षस के वध के लिए। तो ये एक पौराणिक कथा है इसके पीछे, तो पूरी आपको सुनाएंगे कभी, तो अभी आपको संक्षिप्त में मैंने इतना ही बताया कि दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ एक शस्त्र था जिससे वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया गया था। तो बहुत ही कठोर वज्र था, वह शक्तिशाली वज्र था। तो उसी से तुलना की है कवि ने किसकी, कि एक तो बिजली, बादलों में बिजली का सौंदर्य है, तो दूसरी ओर वज्र के समान कठोरता और शक्ति भी है। और क्या करो, नूतन कविता भर दो। यहाँ कवि को संबोधित किया है कवि ने कि हे कवि, तुम संसार में कि वज्र के समान कठोरता और नई कविता फिर से भर दो, यानी आज समाज को बदलाव की आवश्यकता है। समाज से तुम संकीर्णता, सारी संकीर्णता मिटाकर, अनाचार भ्रष्टाचार सब दूर करके, और फिर से नई कविता के माध्यम से समाज को एक नया स्वरूप दे दो, हे बादलो गरजो। तो यहाँ पर ये विशेष अर्थ है, आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, समस्या हो तो आपको ज़रूर पूछना है। आगे चलते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल विकल, विकल का मतलब व्याकुल, बेचैन। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का मतलब अनमने मन वाले, कि मन एक जगह पर स्थित ना हो, बेचैन हो। ऐसे लोगों के मन थे विश्व के निदाघ के सकल जन, कि पूरे संसार के लोग जो थे वो गर्मी से जल रहे थे, दुखी थे, परेशान थे, व्याकुल हो रहे थे। बहुत अधिक गर्मी होती है ना, प्रचंडता के साथ जब अग्नि बरसती है तो समझ लो उस समय हर व्यक्ति परेशान होता है। तो और किसकी प्रतीक्षा करता है उस समय, शीतलता पाने के लिए बादलों की, जो जल बरसाकर संपूर्ण मानव जगत को ठंडक देते हैं, शीतल बना देते हैं। तो कवि क्या कहते हैं आगे, विश्व के निदाघ के सकल जन, पूरे संसार के लोग व्याकुल थे, दुखी थे गर्मी के कारण, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। और तभी किसी अज्ञात दिशा से, पता ही नहीं चला कौन सी दिशा से, अनंत के घन, अनंत बादल आ गए दूर दूर से, जिनका कोई अंत ही नहीं था, आए और पूरी धरा को जल से तृप्त कर दिया, सभी लोग तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए। तो कवि क्या कहता है कि पुनः
तप्त धरा पुनः आज फिर धरती जल रही है, जल से फिर शीतल कर दो आज फिर इस गर्मी से, भीषण गर्मी से तपती हुई जल धरती को जल बरसाकर शांत कर दो। और दूसरा लाक्षणिक अर्थ ये है बच्चों इसका कि कवि को भी संबोधित किया गया है कि हे कवि, तुम अपनी नई नई रचनाओं से लोगों में नवचेतना का संचार कर दो, क्रांति भर दो, क्योंकि सृजन के लिए क्रांति आवश्यक है। तो समाज के स्वरूप को बदलने के लिए अच्छा साहित्य की रचना, अच्छे साहित्य की रचना करो। तो इस प्रकार आपने इस कविता को पूरा पढ़ना है, कहीं दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे कल चलेंगे। धन्यवाद।